बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। डायरेक्टर सुरजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति, इरफान खान को सलाम। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स सदमे में हैं। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया। किसे पता था कि यह मूवी इरफान खान की ज़िंदगी की आखिरी मूवी साबित होगी। दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। धन्यवाद। नमस्कार।